वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जन्माष्टमी स्पेशल सिंगाड़ा का हलवा लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, और ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ मैंने 1 कप सिंगाड़ा पाउडर लिया है और 3/4 कप जैगरी लिया है। आप चाहे तो शुगर भी ले सकते हैं, मैं जैगरी डाल के बना रही हूँ। और ये दोनों मिला के 3/4 कप घी है, और ये 3 कप वाटर है, और ये 1 कप ऑलमंड्स, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स है। आप अपने अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। और ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है, आप चाहे तो खड़ा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून दूध है, और ये थोड़ा सा केसर है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। और जब तक ये बनेगा तब तक इसमें इसका फ्लेवर मिक्स हो जाएगा। अब चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे, गर्म हो गया है। मैं इसको अब लो फ्लेम कर रही हूँ, और उसके बाद मैं ये 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ, और इसको थोड़ा गर्म करने के लिए छोड़ दीजिए। मैं ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, और सबको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। कुछ अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है, ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब चलिए इसको हम निकालते हैं। अब उसके बाद बाकी घी डाल रही हूँ मैं, इसको गर्म करने के लिए छोड़ दीजिए। घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें अच्छे से बबल्स भी आ रहे हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये 1 कप सिंघाड़ा पाउडर डाल रही हूँ, आराम से डाल दीजिए। अब उसको आप अच्छे से फ्राई कीजिए लो फ्लेम पे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ध्यान रखिएगा इसमें लम्स ना हो, इसलिए इसको चलाते रहिए। फ्राई कीजिएगा नॉनस्टिक कढ़ाई में ही बनाने का, क्योंकि इसमें जलता नहीं है। उसके बाद जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पानी बॉईल कर लेती हूँ। यहाँ पर ये 3 कप वाटर डाल रही हूँ, इसको डाल दीजिए, करने के लिए छोड़ दीजिए। अब ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, और पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब उसके बाद मैं ये 3/4 कप जैगरी डाल रही हूँ, और सबको अच्छे से डिजॉल्व होने दीजिए। अब देखिए हलवा का कलर भी चेंज हो गया है, और जैगरी भी अच्छे से मिल गया है। अब इसको मैं बंद करती हूँ। ये अच्छे से ब्राउन हो गया है, मैं इसको लो फ्लेम में लगातार इसको चला रही थी। अब उसके बाद ये जो पानी है उसको धीरे धीरे डाल दीजिए, आराम से धीरे धीरे डालिए, ताकि इसमें लम्स ना हो। और सबको मिलाते जाइए, आराम से मिलाते जाइए, आप चलाते जाइए ताकि लम्स ना हो। मैं सबको यहाँ पे लो फ्लेम में ही कुक कर रही हूँ, तब तक फ्राई करना है जब तक हलवा से अच्छे से घी ना छोड़ दे, और साथ ही साथ कढ़ाई ना छोड़ दे, तब तक हमें इसको इसी तरह फ्राई करते रहना है। देखिए हलवा ने अच्छे से घी छोड़ दिया है, इसी तरह हमें इसको फ्राई करते रहना है। अब देखिए ये पूरी तरह से घी छोड़ दिया है, और साथ ही साथ कढ़ाई भी छोड़ रहा है। 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और उसके बाद रोस्टेड ड्राई फ्रूट, जो मैंने केसर दूध बना के रखा था उसको डाल दीजिए। इसका स्वाद जो है और भी इन्हेंस हो जाता है, इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ, और सबको अच्छे से मिला दीजिए। अब देखिए पूरी तरह ये घी छोड़ दिया है, और अच्छे से ये पक गया है। अब चलिए ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब चलिए इसको बंद करते हैं और सर्व करते हैं। अब देखिए ये सिंघाड़े का हलवा बिल्कुल रेडी है। अब सर्व करने के पहले आप थोड़ा ड्राई फ्रूट से इसको गार्निशिंग कर लीजिए। थोड़ा मैंने केसर रखा हुआ था। सिंगाड़ा हलवा बिल्कुल रेडी है, स्पेशली मैंने ये जन्माष्टमी के लिए बनाया है। आप चाहे तो कोई भी फास्ट या कोई भी व्रत करते हो आप उस समय खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही न्यू रेसिपी पे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।